सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और चैप्टर का नाम है पॉलीमर्स। और आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट सिक्स पढ़ने जा रहे हैं। और इस वीडियो के अंदर स्पेशल ये होगा कि इस वीडियो के अंदर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है कमल खोरवाल। अभी तक हमने इस वीडियो सीरीज के जो प्रीवियस वाली वीडियो है उस वीडियो के अंदर हमने 50 क्वेश्चन को डिस्कशन किया है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। कैप्रोलैक्टम इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ, ये री AIPMT 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है टेरिलिन, दूसरा है नायलॉन 66, तीसरा है नायलॉन 6 और चौथा है टेफ्लॉन। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर 3, नायलॉन 6। क्वेश्चन नंबर 52 इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर विच कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम ग्लाइसिन एंड एपिनोकैप्रोइक एसिड इज, ये AIPMT 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। और इसके जो चार ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार से हैं, नायलॉन 6, नायलॉन 2, नायलॉन 6, PHPV एंड ब्यूना N। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर 2, नायलॉन 2, नायलॉन 6। ग्लाइसिन एंड अमीनो कैप्रोइक एसिड आर मोनोमर्स ऑफ नायलॉन 2, नायलॉन 6। क्वेश्चन नंबर 53 इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पॉलीमराइज टू फॉर्म पॉलिस्टर डेक्रॉन, AIPMT 2014 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। और इसके चार ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से हैं और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 54th इज नायलॉन इज एन एग्जांपल ऑफ, नीट 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ये चार ऑप्शन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हैं, पॉलीसेक्राइड, पॉलीअमाइड, पॉलीथीन, पॉलिस्टर। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर 2, पॉलीअमाइड। क्वेश्चन नंबर 55 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडेंसेशन पॉलीमर, AIPMT प्री 2012 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपको। चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है डेक्रॉन, दूसरा है नियोप्रिन, तीसरा है मेलामाइन, चौथा है ग्लिप्टल। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर 2, नियोप्रिन। नियोप्रिन इज नॉट ए कंडेंसेशन पॉलीमर। क्वेश्चन नंबर 56 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये पूछा आपको। AIPMT प्रीलिम 2012 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपको। चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है द रिपीट यूनिट इन नेचुरल रबर इज आइसोप्रीन, दूसरा है बोथ स्टार्च एंड सेल्यूलोज आर पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज, तीसरा ऑप्शन आपके सामने आर्टिफिशियल सिल्क इज डिराइव फ्रॉम सेल्यूलोज, चौथा है नायलॉन 66 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलास्टोमर। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर 4, नायलॉन 66 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलास्टोमर, नायलॉन 66 इज नॉट एन इलास्टोमर। क्वेश्चन नंबर 57 इज ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज क्लासिफाइड एज पॉलिस्टर पॉलीमर, 2011 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। नायलॉन 66, टेरिलिन, बेकेलाइट, मेलामाइन। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर 2, टेरिलिन। टेरिलिन इज पॉलिस्टर पॉलीमर। क्वेश्चन नंबर 58 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, AIPMT 2008 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चार ऑप्शन आपके सामने है। नेचुरल रबर इज वन फॉर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, दूसरा है इन वल्कनाइजेशन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ब्रिजेस बिटवीन डिफरेंट चेन मेक रबर हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर, तीसरा है नेचुरल रबर हैज द ट्रांस कॉन्फिगरेशन एट एवरी डबल बॉन्ड, चौथा है ब्यूना एस इज अ को पॉलीमर ऑफ ब्यूटाडाइन एंड स्टायरिन। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर 3, नेचुरल रबर हैज द ट्रांस कॉन्फिग्रेशन एट एवरी डबल बॉन्ड। तो क्वेश्चन के अंदर पूछा था कि कौन सा गलत है, तो यहाँ पे गलत कौन सा है, थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 59 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, पहला है स्टायरिन, दूसरा है नायलॉन 66, तीसरा है टेफ्लॉन, चौथा है रबर। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर 2, नायलॉन 66। नायलॉन 66 इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। और अब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के सबसे लास्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 60। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ पॉलीमर्स कंटेन सेम मोनोमर विच इज यूज टू प्रिपेयर यूरोट्रोपिन ऑन रिएक्शन विथ NH3। चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है ग्लिप्टल यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रिजिन नायलॉन 66, दूसरा है ग्लिप्टल यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रिजिन मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रिजिन, तीसरा है नायलॉन 6 यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रिजिन मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रिजिन।
चौथा है नायलॉन 6 ग्लिप्टल नायलॉन 6 6। तो चार ऑप्शन आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब आपको बताना है इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सेकंड, ग्लिप्टल यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रिजिन मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रिजिन। और इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।